खैर वीडियो वैसे तो पूरे पूरे कोरोना वायरस पे नहीं है ये टॉपिक, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी दुनिया इस पर डिस्कस कर रही है और प्रिकॉशन के लिए सलाह दे रही है। लेकिन जब वैसे आपने जो थंबनेल में देखा उसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान का रवैया कोरोना वायरस के लिए एक तरफ। जैसे मोदी ने सार्क की बैठक बिठाई और सारे नेता आए थे, सारे वर्ल्ड लीडर्स आए थे, एक तरीके से सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो पाकिस्तान को वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया, ना कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने। और आए भी तो आए तो किस मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे, तो वहाँ भी अपनी जाहिलियत दिखा दी और सबको समझ में आ गया कि कौन कैसा है, कैसी मानसिकता वाला है और कितना सीरियस है इस चीज़ को लेके। कि दुनिया में हर जगह सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, सब कुछ एक साथ हो रहा है और ओल्ड एज में ज़्यादा दिख रहा है, बच्चों पर ज़्यादा असर हो रहा है। वही सिम्टम पाकिस्तान में किस तरीके से दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक न्यूज़ दिखाऊँगा, न्यूज़ क्या एक्चुअली कोई क्लिप नहीं है, आर्टिकल है, फ़ोटो के साथ है। वहाँ पे जब कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम करिए कोरोना वायरस के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है वहाँ की लोगों की एक ऐसी इमेज है कि वहाँ पे सारे आतंकवादी ही हैं, सबकी मानसिकता एक जैसी ही है, सबको गजवाए हिंदी करना है, सबको यहाँ पे अटैक ही करना है इंडिया पे, सबको कश्मीर के रास्ते इंडिया में ही आना है। तो एक जिहादी वैसे ही वहाँ पर अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो लोग समझ सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब उनके लिए क्या हो सकता है। और जब वो कर रहा था, जब उसने एग्जीक्यूट किया अपना काम, तो वहीं पे उसने एग्जीक्यूट भी कर दिया और रिजल्ट भी वहीं पे नज़र आ गया और उसने अपने घर को दगा दिया। तो आपको फोटो दिख रही होगी कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है उनके लिए और वो कर क्या रहे हैं। अकल वैसे भी नहीं है, सारे इलिटरेट ही वहाँ पर, लेकिन जब असर यहाँ पर होता है तो आप ऐसी हरकत ही करते हैं। आपको यूट्यूब पे पाकिस्तान के हज़ारों ऐसी वायरल वीडियोस मिल जाएंगी कि वहाँ के एंकर क्या कर रहे हैं, वहाँ की जनता क्या कर रही है, वहाँ पे किस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन निकाला जाता है। किसी को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आप देख सकते हैं। और अगली वीडियो मैं लाने जा रहा हूँ जो गौमूत्र वाला टॉपिक चल रहा है, तो उससे सिर्फ इंडिया सेंटर की क्यों हो रहा है और गौमूत्र सेंटर की क्यों हो रहा है उस पर बात करनी है मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।